हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वसीम आई खान, एसोसिएट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभणी, महाराष्ट्र, इंडिया। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अदर प्रिजम्पशन एज टू ऑफेंसेस। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस द प्रिजम्पशन एज टू द डाउरी डेथ, प्रिजम्पशन रिलेटिंग टू द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड एंड अदर प्रिजम्पशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सर्टन प्रिजम्पशन विच आर डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 119 और 120 of Bharati Saksha Adhiniyam 2023 will discuss in this particular lecture. तो आज हम सेक्शन 119 और 120 में जो presumptions है offence को लेकर, वो presumption discuss करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी request है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिएगा ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 119 और 120 इस लेक्चर को। सो सेक्शन 119, द टाइटल ऑफ सेक्शन 119 इज कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन फैक्ट्स। देर आर अ सर्टन फैक्ट्स एंड द प्रिजम्पशन रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर सर्टन फैक्ट्स इज मेंशन अंडर सेक्शन 119। व्हाट दोज फैक्ट्स आर, द कोर्ट मे प्रिज्यूम, द वर्ड मे प्रिज्यूम इज बींग यूज अंडर सेक्शन 119। Whenever the word may presume is used, the court may presume or court may not. It will be the discretion of court. So the court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened, regard being had to the common course of natural events, human conduct and public and private business in their relation to the facts of a particular case. So यहाँ पर जो बात हो रही है सेक्शन 119 में कि कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकता है कि कोई चीज अगर हो रही है तो अपने नेचुरल कोर्स में हुई है, ऐसा कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा। तो क्या क्या चीजों को का प्रिजम्पशन कोर्ट ले सकता है, हम वो आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, द फर्स्ट थिंग इज दैट अ मैन हु इज इन पोजिशन ऑफ स्टोलन गुड्स सून आफ्टर द थेफ्ट इज आइदर द थेफ थीफ और हैज रिसीव्ड द गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन अनलेस ही कैन अकाउंट फॉर हिज पोजिशन। सो वेन एवर द एनी स्टोलन गुड्स इज फाउंड इन द पोजिशन ऑफ एनी पर्सन सून आफ्टर द कमीशन ऑफ थेफ्ट, देन इट मे बी प्रिज्यूम दैट आइदर ही हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट और ही नोज द स्टोलन कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो बात ध्यान में रखिए कि जब कभी भी किसी चोरी की चीजें किसी पर्सन के पोजिशन में मिलेंगी चोरी के बाद, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले सकता है सेक्शन 119 में कि जिस पर्सन के पोजिशन में चोरी की चीजें मिली उस पर्सन ने ही चोरी की, या उस पर्सन ने वो चोरी की चीज है ये पता होते हुए भी वो चीज अपने पास रखी, अनलेस ही कैन अकाउंट फॉर हिज पोजिशन। अगर उसके पास कोई जस्टिफिकेशन है, अगर उसके पास कोई डिफेंस है वो पोजिशन को लेकर, अगर वो पोजिशन को वो जस्टिफाई कर सकता है तो इट्स ओके, अदरवाइज कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले सकता है कि जब कभी भी कोई चोरी की चीज किसी पर्सन के पोजिशन में मिलेगी तो एक तो उसी ने चोरी की या उसे ये पता था कि चोरी की चीज है और वो पता होते हुए वो चोरी की चीज उसने अपने पास रखी है। सेकंड, बी दैट एन अकम्प्लीस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोराबरेटेड इन मटीरियल पर्टिकुलर्स। सो व्हेनेवर द स्टेटमेंट ऑफ अकम्प्लीस इज देयर, अकम्प्लीस मीन्स द पर्सन हु इज अ कंपेनियन इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस। अकम्प्लीस ये है कि एक से ज्यादा लोगों ने अगर पर्टिकुलर ऑफेंस किया है तो वो पर्सन जो है वो अकम्प्लीस कहलाएगा उनके साथ साथी। फॉर एग्जाम्पल, सो अकम्प्लीस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, कि अकम्प्लीस पर भरोसा नहीं किया जा सकता अनलेस ही इज कोराबरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकम्प्लीस द अदर अक्यूज्ड कैनॉट बी पनिश्ड। द प्रिजम्पशन lies under section 119 that accomplice is unworthy of credit, भरोसे के लायक नहीं है। कब तक नहीं है? Unless he is corroborated in material particular. It means if any corroborated evidence found which are inconsistent with the statement of accomplice, then only accused may be punished, otherwise not. So accomplice is unworthy of credit. Accomplice पे भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक दूसरे कोई एविडेंस उसको सपोर्ट ना करे। ये भी प्रिजम्पशन है सेक्शन 119 का। नेक्स्ट वन इज द बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड और इंडोर्स वॉज एक्सेप्टेड और इंडोर्स फॉर अ गुड कंसिडरेशन। सो व्हेनेवर देयर इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट है
तो प्रिजम्पशन ये रहेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज अगर एक्सेप्ट किया है किसी पर्सन ने या इंडोर्स किया है तो ये प्रिजम्पशन है कि उसने एक्सेप्ट किया काहे के लिए, अगेंस्ट अ लॉफुल कंसिडरेशन, के फॉर लॉफुल कंसिडरेशन है, उसको कंसिडरेशन मिला इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज उसने एक्सेप्ट किया, ऐसा प्रिजम्पशन माना जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज इंडोर्स किए वाला है तो प्रिजम्पशन ये है कि उसको कंसिडरेशन मिला इसलिए इंडोर्स किया, कंसिडरेशन मिला इसलिए एक्सेप्ट किया। तो ये भी एक प्रिजम्पशन है सेक्शन 119 का। नेक्स्ट वन इज दैट अ थिंग और स्टेट ऑफ थिंग्स विच हैज बीन शोन टू बी इन एग्जिस्टेंस विद इन अ पीरियड शॉर्टर देन दैट विद इन विच सच थिंग और स्टेट ऑफ थिंग्स यूजुअली सीज टू एग्जिस्ट इज स्टिल इन इन एग्जिस्टेंस। सो द थिंग और स्टेट ऑफ थिंग विच हैज बीन शोन टू बी इन एग्जिस्टेंस विद इन अ पीरियड शॉर्टर देन दैट विच विद इन विच सच थिंग और स्टेट ऑफ थिंग यूजुअली सीज टू एग्जिस्ट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। तो अगर बात हो रही है किसी चीज की या किसी स्टेट ऑफ थिंग्स के एग्जिस्टेंस की, और ठीक जब बात हो रही है उसके पहले वो एग्जिस्ट करती थी, तो प्रिजम्पशन क्या रहेगा, इज इट इट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, वो अभी भी एग्जिस्टेंस में ही है। अगर कोई बोल रहा होगा इट सीज टू एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है, तो कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकता है कि कुछ देर पहले ऐसा था तो अभी भी ऐसा ही है, कोई चीज जैसी थी वैसी ही है, ऐसा प्रिजम्पशन लेगा कोर्ट सेक्शन 119 में। नेक्स्ट वन इज दैट द कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैज बीन फॉलोड इन अ पर्टिकुलर केसेस। सो वेन एवर यूजुअली देर इज अ सर्टन कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस इज फॉलोड इन अ सर्टन थिंग, कोई चीजें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉलो होता है, तो सेक्शन 119 में क्या होगा कि कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉलो हुआ है। एक एग्जांपल के तौर पर कि अगर कोई लेटर, कोई पर्सन लेटर अगर लेटर बॉक्स में डालता है तो लेटर बॉक्स में जो डला हुआ लेटर है वो लेटर बॉक्स से बाहर निकलेगा और वो जहां पर उसका एड्रेस है वहां पर वो भेजा जाएगा, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। मतलब रोज वो लेटर बॉक्स खुलता है, जितने लेटर आए वो लेटर उससे निकलते हैं और अपने अपने डेस्टिनेशन को वो पहुंचा दिए जाते हैं। तो मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जब कभी भी कोई लेटर अगर किसी को पहुंच रहा है तो सेक्शन 119 में ये कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले सकता है कि वो लेटर पहुंचा तो प्रॉपर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही उसमें फॉलो हुआ है, ऐसा कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकता है सेक्शन 119 में। नेक्स्ट वन इज दैट इविडेंस विच कुड बी एंड इज नॉट प्रोड्यूस्ड वुड इफ प्रोड्यूस्ड बी अनफेवरेबल टू द पर्सन हु विथ होल्ड इज। सपोज इफ एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टन एविडेंस एंड इफ ही फेल्स टू प्रोड्यूस दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट इफ ही प्रोड्यूस्ड इफ ही वुड प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर एविडेंस इट वुड गो इट वुड बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि वो पर्सन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में होता, समझ रहे हो। The evidence which could be and is not produced would, if produced, be unfavorable to the person who withholds it. तो सिचुएशन यही है कि किसी पर्सन को कोर्ट ये कहता है कि ये इविडेंस है, इसको कोर्ट के सामने तुमको पेश करना है, और वो पर्सन अगर पेश नहीं करता है तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन लेगा कि अगर वो पेश करता तो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाता, इसीलिए उसने पेश नहीं किया। तो दैट प्रिजम्पशन मे बी रेज्ड बाय द कोर्ट। नेक्स्ट वन इज दैट इफ अ मैन रिफ्यूजेस टू आंसर अ क्वेश्चन विच ही इज नॉट कंपेल्ड टू आंसर बाय लॉ, द आंसर इफ गिवन वुड बी अनफेवरेबल टू हिम। सो द मैन दैट इफ अ मैन रिफ्यूजेस टू आंसर अ क्वेश्चन विच ही इज नॉट कंपेल्ड टू आंसर बाय लॉ, कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो लॉ कंपेल नहीं करता किसी पर्सन को देने के लिए, लेकिन अगर वो देना चाहे तो दे सकता है, और अगर पर्सन ने नहीं दिया उसका आंसर किसी क्वेश्चन का तो इफ गिवन वुड बी अनफेवरेबल टू हिम। तो प्रिजम्पशन क्या लेगा कोर्ट, कि अगर वो इसका आंसर देता तो उसके अगेंस्ट जाता, ऐसा कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा। सपोज मुझे कोई क्वेश्चन पूछा गया और मुझे वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, वो मेरा ऑप्शन है, मैं उसका आंसर दे भी सकता हूं नहीं भी दे सकता हूं। अगर मैंने उसका आंसर नहीं दिया तो सेक्शन 119 में कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले सकता है कि अगर मैं आंसर देता तो वो मेरे अनफेवरेबल होता, दैट प्रिजम्पशन कैन बी रेज अंडर सेक्शन 119। एंड एक ऊपर रह गया था गलती से, दैट जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट्स हैव बीन रेगुलरली परफॉर्म,
कि जब कभी भी जुडिशियल एक्ट या ऑफिशियल एक्ट हुआ है तो वो रेगुलर परफॉर्म होके ही हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कोर्ट ने जजमेंट पास किया या कोई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तो कोर्ट प्रिजम्पशन ये लेगा कि वो कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया या जजमेंट पास किया वो प्रॉपर रेगुलरली एक्ट परफॉर्म करके ही पास किया। एक आधे ऑफिशियल बॉडी ने कोई डॉक्यूमेंट इशू किया तो कोर्ट प्रिजम्पशन ये लेगा कि जो प्रोसेस था उस डॉक्यूमेंट को इशू करने का वो प्रोसेस रेगुलरली परफॉर्म होने के बाद ही वो डॉक्यूमेंट इशू हुआ। इस तरीके का प्रिजम्पशन कोर्ट रेज कर सकता है। तो सेक्शन 119 था, अब सेक्शन 120 है, प्रिजम्पशन एज टू अब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप। देखिए, इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर रेप अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 64 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, सो व्हेनेवर द ऑफेंस ऑफ रेप हैज बीन कमिटेड बाय द अक्यूज्ड पर्सन अंडर सेक्शन 64 सब क्लॉज 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 और वेयर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द अक्यूज्ड इज प्रूव्ड एंड द सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज बीन प्रूव्ड, अक्यूज्ड ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया ये प्रूव हो चुका है, चार्जेस है सेक्शन 64 के अक्यूज के अगेंस्ट में, एंड द क्वेश्चन इज वेदर इट वॉज विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन अलेज्ड टू हैव बीन रेप्ड, एंड देयर इज अ क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ वेदर द सेक्सुअल इंटरकोर्स वॉज विथ कंसेंट और विदाउट कंसेंट, है ना, कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए वो वुमन की जिसके अगेंस्ट में रेप हुआ है उसकी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कंसेंट थी या नहीं थी, वो विदाउट कंसेंट हुआ क्या, अगर ये क्वेश्चन है कोर्ट को डिसाइड करने का है। एंड शी स्टेट्स इन हर एविडेंस बिफोर द कोर्ट दैट शी डिड नॉट कंसेंट, एंड इफ देयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम दैट शी डिड नॉट कंसेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट के सामने वो विक्टिम ऑफ रेप जो लेडी है उसने ये स्टेटमेंट दिया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को उसका कंसेंट नहीं था, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट शी डिड नॉट कंसेंट। तो अगर वो विक्टिम ऑफ रेप ये कह रही है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए उसका कंसेंट नहीं था तो कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा कि कंसेंट नहीं थी, शैल प्रिज्यूम है, कोर्ट को प्रिजम्पशन लेना ही पड़ेगा। अगर विक्टिम ऑफ रेप ये कह रही है कि कंसेंट नहीं थी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए तो प्रिजम्पशन है कि कंसेंट नहीं थी। अब अक्यूज्ड पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कंसेंट को प्रूफ करने का, अदरवाइज कोर्ट ने तो प्रिजम्पशन ले लिया कि कंसेंट नहीं थी। यह है सेक्शन 120 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एक्सप्लेनेशन इज दैट इन दिस सेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स शैल मीन एनी ऑफ द एक्ट्स मेंशन इन सेक्शन 63 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब वही है कि जो सेक्शन 63 में भारतीय न्याय संहिता के बताया हुआ है वही सेम मीनिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के यहां पर होंगे। तो ये सेक्शन 120 है कि जहां पर रेप का ऑफेंस हुआ है और विक्टिम ये कह रही है कि उसकी कंसेंट नहीं थी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए तो कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा कि उसकी कंसेंट नहीं थी। तो ये था सेक्शन 119 एंड 120। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।